अब लहराओ भगवा और कर दो ऐलान, पहले शादी कोंडाना की, फिर मेरे रायबा की। हर एक सोने की चिड़िया, पर कई बाहरी आक्रमणों ने उस चिड़िया की आत्मा को छलनी कर दिया था। लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ, इस मिट्टी की आजादी। वीर है चला, चला, ले चला। एक चूहा आपकी नजरों के सामने शाही परचम को कुतर रहा हो तो आप क्या करेंगे? उसका खात्मा आलिजा। फिर चालाक आलमगीर ने अपनी सबसे बड़ी एक पलटे में माँ की ममता और दूसरे में पति का वचन, अब किसका पलटा भारी? चाल चली, एक हिंदू के विरुद्ध हिंदू को खड़ा कर दिया। खबर अच्छी नहीं है दादा, स्वराज के 23 किले अब औरंगजेब के अधीन है और जिसमें कोंडाना भी शामिल है। तो सख्त है और पैर नाजुक, जज्बात के साथ साथ ये भी झुलस जाएंगे। हे भवानी जगत जन, जब भी कोई संकट आए तो हमेशा सीना तान के खड़े नहीं रहते, अपना दाहिना हाथ आगे करो। अब तू ही बताएगी मराठों का स्वराज जिंदा रहेगा? जिसके घर में बेटी की शादी के न्योते लिखे जा रहे हैं, हम उसे मौत की होली खेलने का निमंत्रण नहीं दे सकते। या इन दरिंदों के हाथों खत्म होगा। जवाब में इतना ही कह सकते हैं, एक तरफ इंसान की इच्छा और दूसरी तरफ इंसान का कर्म, किसका पलड़ा भारी? तो घुमाओ। अब शिवाजी मारी मुक्ति पर। मुहिम का परिणाम जो भी हो, मुहिम के अगले दिन ही आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी। मिटा दूंगा उस भगवे का नामो निशान जमीन से और आसमान से। तू क्या मिटाएगा उस भगवे को जिसका ऐलान खुद आसमान करता है? दिन में दो बार, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। जीत किसकी होगी? जीत स्वराज की होगी, सत्य की होगी, हम सब की होगी। हे भवानी जगत जननी, अब तू ही बताएगी मराठों का स्वराज जिंदा रहेगा या इन दरिंदों के हाथों खत्म होगा? जब उनकी तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और सबका घर बार सलामत रहता है। तैयारी कर अपन, हम तान्या की कसम तोड़ने जा रहे हैं। हमला, पहला बार लाख मुलाजा,